हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज कोई हॉल वीडियो नहीं है, आज मैंने एक मेकअप वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, बिकॉज अभी समर्स चल रही है। समर्स के अकॉर्डिंग ये मेकअप बहुत मस्ट है, बिकॉज समर्स में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेकअप किया एंड कम प्राइज में किया, आई मीन अफोर्डेबल रेंज में किया है, और स्वेट प्रूफ मेकअप किया। सो तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग वीडियो विदाउट एनी स्किप। सो यहाँ मैंने प्राइमर यूज कर दिया एंड मॉइस्चराइजर यूज कर दिया। आप लोग सोचते हो कि मॉइस्चराइजर यूज नहीं किया जाता समर्स में, बट इट इज नॉट अ गुड। आप लोग यूज करोगे मॉइस्चराइजर तो स्किन आपकी इवन रहेगी, ऐसा नहीं होता कि मॉइस्चराइजर नहीं यूज करते। यहाँ पे मैं कंसीलर यूज कर रहा हूँ पैलेट का, एंड जो भी प्रोडक्ट है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा माई शॉप के नाम से। तो प्लीज डोंट फॉरगेट द चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यहाँ पे मैंने ब्लेंड आउट कर दिया। देन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ऑरेंज कलर का कंसीलर अंडर आइज में, अंडर आइज को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, जो ब्लैक है अंडर आइज के ब्लैक ब्लेमिशेस है वो रिमूव हो जाए। एंड वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना विदाउट एनी स्किप, क्योंकि आपको समझ में आएगी ऐसे अच्छे से, मैं तो समझ में फिर नहीं आएगी। सो नाउ हियर, यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट सेट कर दिया आई को, एंड अब मैं सेट कर रहा हूँ आई शैडो से। सो यहाँ पे मैंने आई शैडो आपको कलर दिखा दिया लिया है। आई शैडो पैलेट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेंगे, सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। एज इट इज मैंने जैसे फर्स्ट आइज में किया, मैंने सेकंड आइज में किया, मैंने बिल्कुल सिंपल एंड सोबर सा मेकअप लुक किया गाइज। बहुत यूनिक लग रहा था सच में, लिटरली ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का पोमेड ले रहा हूँ आईब्रो को फिल करने के लिए। आप चाहो तो आईब्रो पेंसिल से या आपके पास जेल आईलाइनर हो उससे भी डिफाइन कर सकते हो, बट जेल आईलाइनर थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। तो समर्स के अकॉर्डिंग पाउडर वाला ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज स्टिकीनेस हो जाएगी तो फिर वो समर से स्वेटिंग आने लगेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पाउडर वाला ही यूज करें। नाउ हियर मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज कर रहा हूँ। ये आईलाइनर बिल्कुल वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ आईलाइनर है। आई डोंट नो ब्रांड नेम क्या है, सारा मेंशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज चेकआउट। एंड आईलाइनर मैंने विंग लाइनर यहाँ पे डिवाइड किया है, आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप जो चाहो आप कर सकते हो। बट हाँ, मेकअप मैंने बिल्कुल सिंपल सोबर सा मेकअप रखा है। तो प्लीज समर्स में आप लोग ज़्यादा प्रेफर करो सिंपल सिंपल मेकअप करने की, बिकॉज अभी तो ट्रेंड है सिंपल मेकअप करने का गाइस। जब कौन एकदम ऐसे केकी केकी सा थोपा थोपा मेकअप करता है ना। मैंने पूरे स्किन पे कंसीलर अप्लाई किया, ये 02 का है, मैबेलिन का है आई थिंक, सॉरी मैट लुक का है। एंड अब इसे मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप मेकअप करने से पहले आइस क्यूब से अपने चेहरे पे 1 से 2 आइस क्यूब से मसाज कर लोगे गाइस, तो आपके फोर्स भी क्लोज हो जाएंगे और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा। तो इट इज माई ओपिनियन फॉर यू। सो तो प्लीज इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हर वीडियोज में मैं आप लोगों को एक छोटी छोटी सी ब्यूटी टिप्स देता रहूंगा एंड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड कुछ समझ में ना कमेंट तो एक रेड हार्ट कमेंट कर देना गाइज, रेड कलर का हार्ट कमेंट कर देना। सो यहाँ पे मैं ब्लश लगा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया, बट मैं उसे ब्लेंड आउट कर दूंगा। एंड मेकअप जैसे सेट हो जाता है ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद मेकअप सेट हो जाता है, ऑक्सीडाइड हो जाता है, तो वो अपनी जगह पे आ जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेटर लगता है। अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर दे रहा हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। एंड नाउ यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रहा हूँ, अब मेकअप डन होने वाला है। मैंने मस्कारा स्किप कर दिया है एंड 2-3 प्रोडक्ट मैंने स्किप कर दिया, आप चाहो तो लगा सकते हो, बट यहाँ सिर्फ मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने स्किप कर दिया, सॉरी उसके लिए गाइज। तो नाउ अब मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, ये है फाइनल लुक। अब देखते हैं ड्रेस अप होने के बाद। सो नाउ आप लोग देख सकते हो ड्रेस अप होने के बाद कितना प्रिटी लग रही थी मम्मी, सच में लिटरली बहुत प्रिटी लग रही थी मम्मी। एंड ये जो ब्लाउज साड़ी का लिंक आपको चाहिए इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर प्रॉपर मैंने वीडियो शूट की है कि कहाँ से मैंने बाय किया, तो इसका जितना भी लिंक है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। देखिए ये है आफ्टर लुक एंड ये है बिफोर लुक, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आफ्टर एंड बिफोर लुक। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आई नो कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होगे साड़ी को लेने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।